इस फार्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे, या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते, किसी से किसी भी तरह का सलाह मशविरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है, किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। तीन उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा बस ठीक है, प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बना पाते हैं और उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से ही कर पाते हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट हल्का सा भी यदि आपको उभार लिए हुए दिखाई दे या चौड़ा दिखाई दे, उतना तो नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ नहीं है, लेकिन हल्का सा भी फैला हुआ आ जाता है तो थोड़ी बहुत गुस्से की अधिकता ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिलती है। अंगूठे का ये वाला पार्ट या हथेली का ये वाला पार्ट बाहर की तरफ देख रहा होता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। ऐसे लोग यदि व्यापार के क्षेत्र में आते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। लिटिल फिंगर हथेली में जब अलग होके चलती है, ऐसे लोगों की सोच काफ़ी साइंटिफिक होती है। लाखों लोग किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी सोच उसी भीड़ का हिस्सा हो जाएगी। हर सब्जेक्ट को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। लिटिल फिंगर आपकी बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ ये खिसक गई है, काफ़ी लो सेट है। ऐसे लोगों के साथ समस्या ये होती है कि ये कभी भी अपने मन की बात को या कोई भी मान लीजिए परिस्थिति है जहाँ पर लोग इनके माध्यम से जानना चाहते हैं कि क्या मामला था, ये शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाते हैं। और जब शब्दों का चयन सही से नहीं हो पाएगा तो आप कहना कुछ चाहेंगे और आप कह कुछ और देंगे। तो इसी वजह से शब्दों के सही तरीके से चुनाव ना कर पाने की वजह से गलत फहमियाँ काफ़ी इन्हें अपने जीवन में देखने को मिलती हैं, जहाँ ये सही होते हुए भी खुद को सही साबित नहीं कर पाते हैं। और इतना ही नहीं, इनके खुद के फैमिली के लोग भी कभी कभी इन्हें बहुत ज़्यादा गलत समझ लेते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये गलत नहीं होते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन इनके आसपास के लोग इनको नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए, दूसरे आपको नहीं समझ पाते हैं उसका उतना बुरा इंसान को नहीं लगता है, लेकिन जब परिवार के लोग आपको गलत समझने लग जाते हैं, आप गलत नहीं होते हैं, तो वो चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है ये थक जाते हैं फैमिली वालों के सामने ख़ुद को सही साबित करते करते, और फिर उनसे दूरियां इनकी बननी स्टार्ट हो जाती हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाते हैं, धोखे बहुत मिलते हैं, संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, सफलता इन्हें देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। एक अच्छी बात क्या है, आपकी हार्ट लाइन सिंगल लाइन से बनी हुई है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनके भी हाथ में होती है, मैक्सिमम ऐसे लोगों का जो विवाह होता है वो इनके पसंद से होता है। प्रॉब्लम क्या है कि कुछ टाइम तक, हमेशा नहीं, पूरी लाइफ का ये प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कुछ वक्त तक आपके हाथ में आपकी जो हार्ट लाइन है वो टूट टूट के चल रही है। हार्ट लाइन का टूट टूट के चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोगों के जीवन में चिंताएं, समस्याएं लगी रहती हैं।
जब भी दबाव आपके हार्ट लाइन पे बनता हुआ आपको दिखाई दे, ये आपके पर्सनल लाइफ में चल रहे उतार चढ़ाव को बताता है। यानी पर्सनल लाइफ आपकी उस एज तक अच्छी नहीं रहती है, उस उम्र तक अच्छी नहीं रहती है जिस उम्र तक आपकी हार्ट लाइन पे दबाव बन रहा होता है। या दो तीन लाइंस की मदद से यदि आपकी हार्ट लाइन कंप्लीट होते हुए दिखाई दे तो वो इससे भी ज़्यादा बुरा होता है। वैसे लोगों की पर्सनल लाइफ कभी भी अच्छी नहीं रहती है, झंझट बहुत रहते हैं। लेकिन आपके लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक प्रॉब्लम नहीं रहेगा, एक सर्टेन एज है, लेकिन वो उम्र क्या होगी, कब से आपकी लाइफ में एक अच्छा मोमेंट आएगा जब अपने जीवन को आप सही तरीके से जीवन का आनंद ले पाएंगे, ये आपको एज वाइज एनालिसिस के माध्यम से ही पता चल पाएगा। जब एज वाइज एनालिसिस के लिए आएंगे तभी आपको बता पाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल अभी जो जो साइन वगैरह दिख रहे हैं तो पहले वो बताते हैं और लास्ट में हम लोग एज वाइज एनालिसिस करेंगे। हथेली में जब एनालिसिस होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उम्र के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जब आपको बताया जाता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो पूरा सार होता है। पूरा पाम एनालिसिस होने के बाद यदि यही पार्ट मिसिंग हो जाए और ये आपको नहीं बताया जाए तो फिर उस एनालिसिस का कोई फ़ायदा नहीं है। कितने भी साइन हो, यदि आपकी लाइफ लाइन पर अच्छे साइन बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, ऑफ शूट्स नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में उस साइन का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए साइन वगैरह देखने के बाद लास्ट में एज वाइज एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि साइन यदि आपके हाथ में ऐसे हैं कि आप राजा बनने वाले हैं और आपके लाइफ लाइन पर इस तरह के कोई भी संकेत नहीं है तो उस साइन का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। यानी साइन होते हुए भी आप अपने जीवन में अत्यधिक तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो साइन कुछ भी हो, फ़ायदा तभी मिलता है जब उस साइन की पुष्टि या उस साइन के जैसा आपके लाइफ लाइन पर भी ऑफशोर्स अपवर्ड ब्रांचेस निकलते हुए दिखाई दें। तो ठीक है, चलिए आप आगे एनालिसिस देखते हैं। लाइफ लाइन और माइंड लाइन पर कुछ वक्त तक बंधन योग होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम, ये संघर्ष को बढ़ावा देता है। बंधन योग होता क्या है? होता यह है कि जब आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन कंबाइन कर जाती है और सिंगल लाइन के रूप में ये आपको दिखाई दे तो ये बंधन योग होता है। बंधन योग होने की वजह से आपकी माइंड लाइन भी सही से फंक्शन नहीं दिखाती, यानी सही से वर्क नहीं कर पाती है, और आपकी लाइफ लाइन भी नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपकी दोनों लाइन्स ही मिसिंग हैं तो कैसे आपको वो बेनिफिट देगी। इसीलिए बंधन योग जब किसी के भी हाथ में ज़्यादा समय तक एक्टिवेट रहता है तो काफ़ी उम्र तक ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है, सफलता इन्हें देरी से मिलती है, कॉन्सेंट्रेशन का अभाव पाया जाता है, आत्मविश्वास में कमी इन लोगों के अंदर देखी जाती है। जब लोगों के अंदर किसी के भी व्यवहार में यदि आपको आत्मविश्वास की कमी देखने को मिले और जो लोग अपनी क्षमताओं का यानी जिनको ये पता नहीं होता है कि किस तरह के फील्ड का चुनाव करना चाहिए, ऐसे लोग किसी भी क्षेत्र में यदि जाते हैं तो सही तरीके से सफलता नहीं इन्हें मिल पाती है। ना सिर्फ बंधन योग की वजह से आपको सफलता में देरी हुई, कुछ वक्त बंधन योग चला, उसके बाद माइंड लाइन भी आपकी मंगल से इनिशिएट हो गई, ये भी अच्छा नहीं है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जब आपको यही पता नहीं होगा कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए या आपके अंदर किस तरह की काबिलियत है और आप किस क्षेत्र के लिए बने हैं तो फिर सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। और बंधन योग मंगल से माइंड लाइन के इनिशिएट होने के बाद प्रॉब्लम क्या हुई कि आपकी माइंड लाइन लगातार टूट टूट के चल रही है।
मारनाइन का इस तरह से टूट टूट के चलना ये जीवन ऊर्जा के अभाव को दिखाता है। ये बताता है कि आप जीवन तो जी रहे हैं लेकिन उसका सही तरीके से आनंद नहीं ले पा रहे हैं। मानसिक जो शांति होती है उसका अभाव आपके जीवन पर बना हुआ है। ये इस तरह की बातों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपके माइंड लाइन पर एक अच्छा सा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है और आपकी माइंड लाइन स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। शांतिपूर्ण जीवन है आगे, इसीलिए कुछ समस्याएं यदि पहले आपने फेस की है आगे आपका जीवन बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के हाथ में मैंने ऐसा देखा है कि उनके स्टार्टिंग की भी लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है और बाद की भी लाइफ कुछ खास नहीं रहती है। लेकिन आपके साथ बढ़िया क्या है कि एक लंबा वक्त आपने स्ट्रगल में गुजारा है लेकिन आगे की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है। वैसे इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग किसी भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड के ये मास्टर कहलाते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र का इन्हें ज्ञान बहुत होता है, हर डिटेल इनके पास उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है। अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर इनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं और इसके साथ इसी वजह से इनकी शादी में भी देरी देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी भी माइंड लाइन इतनी बड़ी होती है सभी की शादियों में देरी होती है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आपकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। कभी कभी इस माइंड लाइन का जो इम्पैक्ट होता है वो कुछ लोगों पे कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है और आप उन्हीं लोगों में से आते हैं। आपकी उम्मीदें अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से आप सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपको शादी किन से करनी है और इसी कारण से कहीं ना कहीं शादी में देरी हो रही है। आपकी हार्ट लाइन उंगलियों की तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रही है। हार्ट लाइन यदि उंगलियों की तरफ मूव हो जाती है ये पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी ले आती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने की वजह से इसके गुणों में कमी आ जाती है और गुणों में कमी आने के कारण ये आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। कोई भी काम आप कीजिए, एक तो दूसरों की तुलना में आपको मेहनत अधिक लगती है उस काम को सफल बनाने के लिए और समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये माइंड लाइन फ़िलहाल अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो आप आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन जब उस एज में आप पहुंचेंगे, वो कौन सी उम्र होगी जब से आपको सफलताएं अपने जीवन में देखने को मिलेगी, उस उम्र में जब आप प्रवेश करेंगे और जब से आपकी माइंड लाइन सही तरीके से वर्क करते हुए दिख रही है, आपके अंदर हिटलर शाही या तानाशाही जो रवैया है वो बढ़ जाएगा और आपका मानना होगा कि आपने कुछ भी कह दिया हो फैमिली के अंदर वो नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए। इस वजह से क्या होता है कि इनके फैमिली के साथ कनेक्शन तो चलो ठीक है, माता पिता तो कैसे भी संतान हो चाहे कितना भी दबाव बनाए, वो अपने उनके उनको अपने संतान के अंदर कोई भी गलतियां नहीं देखती हैं। लेकिन जब बात आती है लाइफ पार्टनर की, तो लाइफ पार्टनर आपके साथ बराबर वाला बिहेवियर रखना पसंद करता है, वो आपसे सम्मान की उम्मीद रखता है और वो ये चाहता है कि आप भी उनकी बातों का सम्मान करें। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की आदत होगी और इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ उतनी अच्छी रहने की उम्मीद नहीं है। लाइफलाइन आपके इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। जुपिटर से लाइफलाइन का इनिशिएट होना अच्छा होता है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और गोलाई में यदि ये विनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में ये खास करके अच्छा नाम कमाते हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। इसके साथ ही ब्रांचेस का निकलना आपको व्यापार के क्षेत्र में ठीक ठाक सफलता देता है और
कुछ वक्त के लिए विदेश जाना यदि चाहते हैं तो उसका भी मौका मिलता है, लेकिन सभी के हाथ में देखिए साइन होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप विदेशी धरती पर जाकर के वहीं पे सेटल हो जाएंगे। साइन का असर आपके ऊपर तभी होता है जब आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब कुछ लोगों के हाथ में गवर्नमेंट जॉब की साइन होती है लेकिन वो उस फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, पढ़ाई उस तरीके की नहीं करनी चाहते हैं, और उन लोगों के दिमाग में कभी कभी विदेश में सेटल होने के ख्वाब आने लगते हैं, तो फिर उस साइन का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की साइन या कोई भी साइन यदि आपके हाथ में है और आप उस क्षेत्र में ना भी जाएं, तब भी यदि उस क्षेत्र से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपको सफलता या कहे तो मुनाफा मिलती है। जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में गवर्नमेंट जॉब की साइन है और वो फॉरेन जाकर के सेटल हो गए, अब स्वदेश वापसी का सपना वो बुन करके बैठे हुए हैं, या मान लीजिए किसी भी देश में वो हैं, वो चाहते हैं कि मैं कोई व्यापार करूं जहां मुझे सफलता मिले, पैसा है उनके पास, तो उनको सलाह दी जाती है कि आप कोई ऐसा काम कीजिए जहां गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंडिंग हो। तो उस तरह के काम में भी ये साइन आपको मदद करती है, यानी सरकार की तरफ से यदि पैसे आपके पास आते हैं कोई भी काम, जैसे टेंडर का भी काम होता है, ठीक है, तो उस तरह के काम में बहुत सफलता मिलती है। अब आपका हाथ देखिए, इसीलिए मैंने गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पे जिक्र किया है। जहाँ तक आपकी बात मैं समझ में आई हूँ, तो अभी तक आप किसी भी विशेष किसी भी फील्ड में कुछ भी सफलता फ़िलहाल आपको नहीं मिल पाई है। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन थी जिसका बेनिफिट आपने नहीं लिया, रीज़न जो भी हो मुझे नहीं पता, या हो सकता है आपकी पसंद ना हो उस क्षेत्र में जाना। अब क्या है कि आप उस क्षेत्र में गए नहीं, साइन है आपके हाथ में, तो आपके पास ऑप्शन है, यदि आप व्यापार करते हैं बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर आप कोई ऐसा काम अवश्य या कोई ऐसी शाखा उस व्यापार की रखिएगा जहां गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम आपको मिले और पैसे आपको सरकार के माध्यम से दिया जाए, यानी गवर्नमेंट आपको पे करे, क्योंकि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे साइन हैं, इसीलिए मैंने इस बात का यहाँ पे जिक्र किया। इसके बाद लाइफलाइन आपकी विनस माउंट से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। विनस माउंट से जिन लोगों की भी लाइफलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होता है। लाइफलाइन में स्टार्टिंग में तो ठीक है, लेकिन उसके बाद 35 के बाद से क्या हो रहा है, दम नहीं है और लाइफलाइन जब आपकी धुंधली होकर चलती है, फैल जाती है और आभासी तौर पे लाइफलाइन आपको दिखाई दे, तो पैसे कमाने के लिए दूसरों की तुलना में आपको मेहनत बहुत लगती है, बहुत मेहनत करनी होती है, उसके बाद ही पैसा आपके पास आता है। आपके हाथ में एक और साइन है, ये हार्ट लाइन से इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सन माउंट से इनिशिएट हुआ और इसने जुपिटर के माँ कीजिएगा सैटर्न के साथ कनेक्शन बनाया। तो पैसा किस माध्यम से आता है उसको समझिए। सन जो है ये आपके दूर जगहों से, यानी मान लीजिए विदेशी धरती है, फॉरेन है, वहाँ से इनकम के सोर्स के बारे में बताता है कि किसी दूसरी जगह से पैसे आपके पास आ रहे हैं। तो 55 या 54 के आसपास आपको ऐसा काम इनिशिएट करने वाले हैं जहाँ पैसा आपके पास फॉरेन कंट्रीज से आएगा, और ये वाली जो लाइफलाइन है ये ज़्यादा बेहतर है और ये आपको अच्छा खासा अमाउंट देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मेहनत भी कम है, यानी मेहनत भी बहुत ज़्यादा नहीं है और पैसा उसकी तुलना में अधिक आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये वाली जो लाइफलाइन है ये आपको पैसा आपकी मेहनत के बराबर ही देगा, कहीं भी कोई सहूलियत बरतता हुआ ये नज़र नहीं आ रहा। तो आपको मेहनत बहुत लगेगी पैसे को कमाने के लिए या माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, लेकिन पैसा आएगा, और पैसा एक नहीं बल्कि तीन सोर्स हैं पैसे के। सोर्स अच्छे हैं यदि एक से ज़्यादा सोर्स ओपन हो जाते हैं, चाहे किसी भी एज में हो, पैसा आपके पास ठीक ठाक आने लग जाता है। इतना तो आ ही जाएगा कि आप अच्छे से जीवन यापन करने के बाद कुछ पैसे बचा पाएंगे, लेकिन ये स्टार्टिंग कब से है, कब से आपका भाग्योदय होगा, इस वाइज एनालिसिस के बाद ही आपको सही तरीके से बता पाएंगे। ऐसे मान लीजिए लाइफलाइन पे मैंने पहले बता दिया तो फिर इस वाइज एनालिसिस का जो चार्म है वो ख़त्म हो जाता है, इसीलिए पहले इस वाइज एनालिसिस होगा, देन आफ्टर लाइफलाइन पे भी हम आकर के उस बात को समझेंगे।
ये वाली लाइन जिनों के भी हाथ में होती है, एक तो पहली चीज़ है आपको व्यापार के माध्यम यानी बिजनेस यदि आप करते हैं तो आपको अच्छी खासी सफलता दिलाता है। इसके साथ ही फॉरेन से कनेक्शन बनाता है, विदेशी धरती पर जाने का, घूमने फिरने का खूब मौका मिलता है। और इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा टाइम आता है जहाँ आप अपने दम पर अपने व्यापार के माध्यम से या कोई भी माध्यम हो पैसा आता है फॉरेन कंट्रीज से। ये साइन तो है आपके हाथ में और आपकी लक लाइन भी कहीं ना कहीं उसी तरफ ही इशारा करते हुए दिख रही है। आपको बता दिया गया है आप यदि व्यापार करना चाहते हैं तो कीजिए। फिलहाल तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, कोई ऐसा काम कीजिए जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन हो या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसे दिए जाएं। इन दो तरह की जो काम है इसमें आपको सफलता अच्छी खासी मिलेगी। ऐसे जुपिटर का माउंट आपका वीक है, इनफैक्ट आपका सभी माउंट वीक है क्योंकि आपकी हार्ट लाइन उंगलियों की तरफ मूव हो गई है, चली गई है। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल का पाया जाना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन होता है। मर्करी के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना ये आपके बिजनेस सेंस को बढ़ाता है। बहुत चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, दिमाग काफ़ी तेज़ होता है इनका। और यदि ये किसी भी फील्ड में जाएं अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से, खास करके जहाँ जिस काम में दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है वहाँ इन्हें सफलता बहुत मिलती है। आपके हाथ में स्क्वायर के भी साइन हैं। मर्क्यूरी के माउंट पे यदि स्क्वायर के साइन पाए जाते हैं ये आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन देता है मनी लॉस से, आपके दुश्मनों से आपको बचाता है। कोई भी यदि आपके खिलाफ कोई प्लान बना रहे हैं तो उसके प्लान को सफल होने नहीं देता है, सक्सेसफुल होने नहीं देता है। तो बहुत तरह से यदि मर्क्यूरी के माउंट पे स्क्वायर के साइन का पाया जाना हर तरह से आपके लिए प्रोटेक्शन बनाता है, एक शील्ड बनाता है जिसको फिर भेद पाना किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मर्क्यूरी के माउंट पे स्क्वायर के साइन का पाया जाना बहुत अच्छा साइन होता है। आपके हाथ में हीलर्स लाइन है। हीलर्स लाइन जिनों के भी हाथ में होती है ऐसे लोग सामने वाले की प्रॉब्लम को सही से समझ पाते हैं और इसीलिए जब इनसे सलाह ली जाती है तो ये सलाह बहुत अच्छी देते हैं। आपके हाथ में बिजनेस के से इनकम के सोर्स अच्छे खासे हैं, ठीक ठाक हैं। और कर्व लाइन भी है, यदि आपने जॉब के लिए ट्राई किया होता तो आपकी गवर्नमेंट जॉब अब तक लग गई होती। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन हैं। ट्रायंगल के साइन का पाया जाना जुपिटर के माउंट पे आपकी आपको पद दिलाता है, पहली बात मैं आपको ये बता दूँ। दूसरी बात ये कि ये गवर्नमेंट जॉब पाने में आपकी हेल्प करता है, यदि आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी ये आपकी काफ़ी मदद करता है। ट्रायंगल का साइन कहीं भी हो पूरे हथेली में बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। और स्क्वायर के इतने ज़्यादा साइन जिनों के भी हाथ में होते हैं जुपिटर के माउंट पे, इतने बड़े बड़े साइन, ऐसे ही लोग अपने द्वारा बंगलो टाइप घर का निर्माण करते हैं, यानी बंगलो टाइप घर में इनको रहने का मौका मिलता है। और अपने यानी कि ऐसा नहीं कि मान लीजिए कुछ वक्त के लिए आपने रेंट पे ले लिया आप रह गए, नहीं, अपने पैसे से बनाते हैं, अपने द्वारा कमाए गए पैसे के माध्यम से बंगलो टाइप घर का निर्माण करते हैं। पहले मैं साइन बता दूँ, मुझे कुछ चीज़ें कुछ साइन यदि दिखेंगे, गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में, पता नहीं क्यों आपने इसका फ़ायदा नहीं उठाया। यदि ट्रैवलिंग लाइन आकर के आपके हाथ में, देखिए गवर्नमेंट जॉब के साइन काफ़ी स्ट्रांग है और ये फॉरेन कंट्रीज़ वाला जो कनेक्शन है ये भी साइन बहुत स्ट्रांग है। तो दो क्षेत्र हैं आपके पास, अब दो में से किसी एक क्षेत्र का चुनाव कर लीजिए। गवर्नमेंट जॉब पाने के चांसेस तो अब नहीं हैं, लेकिन यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं बिज़नेस के माध्यम से आप सफलता पा सकते हैं, व्यापार करना चाहिए आपको। ट्रैवलिंग लाइन आकर के यदि आपके लक लाइन के साथ अटैच हो जाती है या मर्क्यूरी के लाइन के साथ अटैच हो जाती है, ऐसे लोगों का विदेशी धरती या फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कनेक्शन अवश्य बनता है और विदेशी धरती से धन के आगमन के संकेत भी हैं आपके हाथ में। ट्रायंगल का साइन है, स्क्वायर का साइन है।
जुपिटर के माउंट को स्पेस बहुत कम मिल रहा है। जुपिटर के माउंट को जब स्पेस बहुत कम मिलता है, ये आपके पारिवारिक जीवन की खुशियों को कम कर देता है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है। भले आपकी जुपिटर की फिंगर बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा कम ये नहीं कर पाई है। तो आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, चाहे माता पिता के साथ रिलेशन हो, या भाइयों के साथ हो, रिलेटिव के साथ हो, या अपनी लाइफ पार्टनर के साथ हो, बहुत अच्छा रिलेशन आपका नहीं रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं, आगे चल कर के लाइफ बेहतर हो और ख़ास करके लाइफ पार्टनर के साथ अनबन की स्थिति पैदा ना हो, जुपिटर के रेमेडीज़ आपको फॉलो करने हैं। क्या रेमेडीज़ होते हैं, यदि आपको चाहिए तो मान लीजिएगा। सभी माउंट्स को स्पेस बहुत कम मिला है, तो सफलता में देरी का सूचक होता है और मेहनत अधिक लगती है किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए। इनामास ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, इसीलिए खान पान का विशेष करके ध्यान रखिए। बहुत अच्छा नहीं है आपका इनामास, ठीक है बस। लग्जीरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट को स्पेस बहुत अच्छा मिला है और ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है वेनस माउंट के तरफ। तो अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार आप लोग भारी नुकसान उठाते हैं। आउटर मास बहुत अच्छा है, ऊर्जावान है, एनर्जेटिक है। आप ऊर्जावान इस लेवल के हैं कि यदि आप लगातार भी किसी काम को करते रहते हैं तो थकावट महसूस नहीं होती, थकते नहीं हैं आप लोग। तो ऊर्जा जब व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होती है तो ये आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप लोग मेहनती भी बहुत होते हैं। इसके साथ ही ऐसा नहीं कि बहुत मुफ्त हैं आप चाहते हैं सामने वाले से जितना हो सके उनके उनको ऐसी बात ना कहें जिनसे उनको दुख हो, लेकिन जब सामने वाले की हरकतें आपके समझ से, या किसी भी एक नॉर्मल इंसान, मान लीजिए जिसको गुस्सा नहीं आता है या बहुत शांत इंसान हो, उनको जितना पिन किया जाता है और उसके बाद ही उनको गुस्सा आता है, तो बिल्कुल वैसा ही लेवल है आपका। आप गुस्सेल बहुत ज़्यादा नहीं है, शांत प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं चाहते हैं कि गुस्सा आए। हाँ, अंगूठा आपको थोड़ा बहुत गुस्सा दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं है, इसलिए लिमिटेड ही होगा गुस्से का भी। बहुत गुस्सा मतलब एक नॉर्मल इंसान को जिस लेवल पर गुस्सा आता है, जिस बात पर गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है, तो बिल्कुल वैसा ही है, वैसी स्थिति है। तो आप चाहते हैं स्टार्टिंग में कि इग्नोर किया जाए चीज़ों को, या फिर उतना प्रेशर नहीं लिया जाए, लेकिन जब हद से ज़्यादा कुछ भी नेगेटिव हो जाता है तो किसी को भी गुस्सा आता है, तो बिल्कुल वैसा ही है। लाइफ पार्टनर लुकवाइज देखने में काफ़ी अच्छी होंगी आपकी, लेकिन उनके साथ मतभेद रहने के चांसेस हैं। मनभेद का नहीं है, मतभेद का है, क्योंकि बायफॉर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका मैरिज लाइन। मैरिज लाइन यदि बायफॉर्क हो जाता है तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं लाइफ में, उसको समझिए। ऐसा नहीं है कि जब आपकी मैरिज लाइन बायफॉर्क हो गई है तो आपका डिवोर्स हो जाएगा, नहीं जी, डिवोर्स नहीं होता है, बस झगड़े होते हैं, डिस्कशन बहुत होता है। आप कोई बात कहते हैं तो उनको हजम नहीं होती है और उनकी बात आपको बर्दाश्त नहीं होती है। कभी कभी, हमेशा झगड़े नहीं होते हैं, कभी कभी ऐसे हालात होते हैं जब आप उम्मीद रखते हैं उनसे किसी बात की, और वो उस उम्मीद पे खुद को, या आपकी नज़र में वो उस उम्मीद पे खड़ी नहीं उतरती हैं, या वो आपसे कोई उम्मीद रखती हैं तो आप उनके उम्मीद पे खड़ा उनको नहीं मिलते हैं, खड़े नहीं पाए जाते हैं उनकी नज़र में। तो इसी वजह से क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। आप अच्छा कहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माहौल सही बना रहे घर के अंदर, लेकिन उस तरह का माहौल नहीं बन पाता है और प्रॉब्लम होती है, इश्यूज़ होते हैं, तो मतभेद होने के चांसेस ज़्यादा हैं। झगड़े होंगे, आपस में बनेगी नहीं, लेकिन अलग नहीं होंगे आप लोग एक दूसरे से, किसी न किसी वजह से कनेक्शन रहेगा कायम। आपके हाथ में नेशनल फेम भी है और इंटरनेशनल फेम भी है, यानी आपको आपके काम की वजह से देश में भी, अब ऑब्वियस बात है यदि आप देश में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो देश के लोग तो जानेंगे, रिलेटिव तो जानेंगे ही, लेकिन आपके काम की वजह से बाहर के लोग भी आपको जाने, ये अच्छी बात होती है, तो वो आपके हाथ में है। ये सेलिब्रिटी फेम नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूँ। ऐसा नहीं कि आपको सेलिब्रिटी वाला फेम मिलेगा, फॉलोअर्स हो जाएंगे, नहीं,
ये आप कोई काम कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, आपने संपर्क किया विदेशों में, उस चीज़ की डिमांड है, आपने सप्लाई किया, तो वहाँ के लोगों ने आपको जाना, तो बस ऐसा ही होता है। और जब छोटी छोटी लाइन्स ज़्यादा होती हैं सन माउंट पे, तो ये दिखाता है कि आपने ट्राई बहुत किया है, बहुत से फील्ड में आपने ट्राई किया है, उसके बाद जा करके आपको सफलता मिली है। आपका लेफ्ट पाम आपको व्यापार के क्षेत्र में सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जॉब भी है, यानी दोनों साइन है आपके लेफ्ट पाम में। राइट जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे सनलाइन ज़्यादा स्ट्रांग है। कुछ वक्त के लिए आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपका राइट पाम आपके लेफ्ट पाम पे हावी हो गया है। तो अब मैं आपको बता दूँ इसका मतलब क्या है। बहुत कम लोगों के हाथ में इस तरह की परिस्थिति देखने को मिलती है। जब एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपका पैसिव पाम आपके एक्टिव पाम पे हावी हो जाता है, तो मतलब उस उम्र तक आपका जो कर्मा है वो सही नहीं है, वहाँ पर आप वीक हो गए हैं। लेकिन जिस एज से आपका पैसिव हैंड आपके एक्टिव हैंड से वीक हो जाता है, मतलब उस उम्र से आपका कर्मा बेहतर है। तो जिस एज से आपको सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है आपके लेफ्ट राइट पाम के बेसिस पे, उस उम्र से आपकी आपका कर्मा सही है। उससे पहले आपने जो भी किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, यानी कहीं ना कहीं कर्म की जो दिशा है आपकी वो कमज़ोर साबित हुई है एक सर्टेन एज तक। वो उम्र कौन सी होगी, कब आपको सफलता मिलेगी, एज वाइज एनालिसिस के लिए अब हम लोग निकलते हैं, तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा। ट्राइंगल काफ़ी बड़ा है लेफ्ट पाम भी, इसका 25% भी यदि आपको रिजल्ट मिलता है तो अच्छी खासी सफलता आपको जीवन में आगे मिलते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि जितना बड़ा ट्राइंगल आपके सन माउंट पे होता है, आपको सफलता ये उतनी ही बड़ी देता है। सेवनटीन में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई परिवर्तन 17 साल की आयु में आपके जीवन में आया, लेकिन 17 साल से पहले भी आपका जीवन कोई बहुत अच्छी दिशा की तरफ नहीं चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर यव का साइन बना हुआ है। हथेली में जब भी जिस भी आयु में यव के साइन या यव की आकृति बनती है, मतलब उस आयु में आपको सफलता अच्छी नहीं मिल पाई, या आपकी जीवन की दिशा सुदृढ़ नहीं थी। 17 साल की आयु में आपके जीवन को एक नई दिशा, दिशा नहीं इनफैक्ट ये इश्यूज जनरेट होता हुआ दिख रहा है, समस्या आती हुई दिख रही है 17 साल की आयु में। ट्वेंटी वन एंड हाफ में जीवन को एक नई दिशा मिली, 21 एंड हाफ में। और ये मैं आपको बता दूं कि 17 से लेकर के 21 तक लगातार छोटी छोटी राहु की लाइंस कट कर रही हैं, तो यानी समस्याएं बरकरार हैं जीवन में। आप आगे बढ़ना चाहते हैं बट सही से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ट्वेंटी सिक्स में छोटा सा ऑफ शूट है, आभासी तौर पर खुशी मिलती हुई दिख रही है 26 में। देन आफ्टर 28 के आसपास भी छोटा सा ऑफ शूट है, बहुत छोटा सा, ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी बदल गई या बहुत बड़ा चेंज आ गया, बट हाँ छोटा सा ऑफ शूट है, तो छोटी सी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 29 के आसपास भी छोटा सा ऑफ शूट है, छोटी सी खुशी। ऑफ शूट का मतलब होता है लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना, और जिस उम्र में आपके लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकलती हैं उस आयु में आपको कोई ना कोई खुशी मिलती है। हाँ लेकिन ये डिपेंड करता है, यदि ऑफ शूट काफ़ी बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको बड़ी खुशी मिल रही है। यदि ऑफ शूट के साथ लाइफ लाइन आपकी टूट करके आउटर पार्ट से इनिशिएट हो गई है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि की तरफ संकेत करता है।
लेकिन आपके हाथ में ऐसा नहीं है कि 26 या 27 इनफैक्ट 28 में भी बहुत बड़ी खुशी मिल गई, नहीं छोटी सी खुशी है, छोटा सा आनंद आपके जीवन में आया होने को भी। 30 and a half, 31 के आसपास चेंज आया, कोई ना कोई परिवर्तन उस उम्र में आपके जीवन में आया। 32 में छोटा सा ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। देखिए चेंजेस कब कब आए, मैं पहले आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। एक तो 17 से लेकर के 22 तक ही आपके जीवन को कोई खास दिशा मिली नहीं है। 21 and a half या 22 के आसपास जीवन को दिशा मिली। 26 में ऑफ शूट है, 28 में है, 29 के आसपास भी छोटा सा ऑफ शूट बनता हुआ दिख रहा है, और 30 and a half या 31 के आसपास जीवन में परिवर्तन आया। 32 में ऑफ शूट है, 35 में भी कुछ ना कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है, और 35 से लेकर के 37 में भी कोई ना कोई चेंज आया। 35 से स्थिति ज़्यादा मुझे बिगड़ती हुई दिख रही है, कुछ खास नहीं है क्योंकि लाइफ लाइन यहाँ पर डिस्टर्ब हो गई है। और ऐसे भी यदि आप देखें तो 32 के बाद थर्टी फाइव में हल्का सा छोटा सा ऑफ शूट है। होता क्या है कि जब आपकी लाइफ लाइन इस तरह से झिकझक वाली स्थिति में आ जाती है, यानी आप जीवन जी रहे हैं लेकिन उस जीवन का आनंद आप नहीं ले पा रहे हैं, तो 32 के बाद से ही आपने जीवन का आनंद लेना कम कर दिया, आप अच्छे से लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। देन आफ्टर 35 के आसपास छोटा सा ऑफ शूट है, लेकिन उसके सडन बाद से ही चीज़ें और भी ज़्यादा, मतलब और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड होते दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जीवन ऊर्जा का अभाव हो गया है, आप संतुष्टि महसूस नहीं कर रहे हैं। वो जो एक मन में अपने भविष्य को लेकर के चिंताएं होती हैं वो बढ़ गई हैं। उसके बाद 37 and a half, 38 के आसपास भी कुछ ना कुछ चेंज आया। मुझे ये लगा था कि ये 37 का चेंज है, लेकिन ये 38 के आसपास का चेंज है, तो कोई ना कोई परिवर्तन आया, या तो रिश्ता तय, माफ कीजिएगा, या तो रिश्ता तय हुआ आपका, या फिर कोई प्रॉब्लम 38। उसके बाद चीज़ें बेहतर होने स्टार्ट हुई है 38 के बाद से, क्योंकि यहाँ से जो भी चेंज आने वाला है ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से एटलीस्ट आपकी लाइफ लाइन सही तरीके से इनिशिएट हुई है, यानी कि स्ट्रेट लाइन के रूप में मूव होते हुए दिख रही है, और 38 के बाद से आप अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। अच्छी पॉजिटिविटी कब से आएगी वो देख लेते हैं। देखिए 38 की, क्योंकि इस चेंज को मुझे समझना है, इफ अगर 38 and a half में आपका रिश्ता तय नहीं होता है, शादी नहीं होती है, एक तो यहाँ पर भी मुझे चांस थोड़े बहुत बनते हुए दिख रहे हैं 38 के आसपास, या तो कहीं पर रिश्ता तय होगा या शादी होगी, या कुछ तो परिवर्तन यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है क्योंकि राहु की लाइन ने टच किया है। देन आफ्टर फिर 40 में चेंज आ रहा है, 39 में ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है, 40 में भी कुछ ना कुछ खुशी, कोई ना कोई उपलब्धि आपको मिलती हुई दिख रही है, और 38 के बाद से ही अचानक का जीवन एक स्टेबिलिटी लेता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उससे भी अच्छा परिवर्तन, यदि सबसे अच्छा चेंज की बात की जाए, सबसे बढ़िया चेंज की बात की जाए, वो 41 से आते हुए दिख रही है। इफ़ अगर आपकी शादी या 38 के आसपास नहीं होती है तो यहाँ पर मुझे आपके लव मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। 41 में जाकर के आपकी शादी होगी, और वो भी आपकी पसंद से होगी, लव मैरिज होगी और धूमधाम से होगी। काफ़ी खर्चे होंगे, पैसे बहुत खर्च करेंगे आप, इतनी बड़ी मैरिज लाइन जिनके भी हाथ में होती हैं, मतलब शादी या तो काफ़ी ज़्यादा ये खर्चीली शादी होती है, आप पैसा काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं और बहुत अच्छे से शादी करते हैं। इसके साथ ही यदि डाउन हो जाती है राहु की लाइन, यानी शादी आपकी पसंद से होने वाली है, और स्टार्टिंग में
2-3 दिन आपको लगेंगे अपनी फैमिली को इस शादी के लिए राज़ी करने में। तो 41 में, यदि 41 में शादी होती तो शानदार शादी आपकी होने वाली है। और इसके बाद से ही मुझे अब यदि मैं आपके पाम को एनालाइज करके मुझे फाइनल रिजल्ट देना हो तो मैं यही कहना चाहूँगी कि 41 में ही आपकी शादी होगी, क्योंकि ऐसे भी आपके हाथ को देखने के बाद इतना तो तय है कि शादी के बाद ही भाग्योदय है आपका, और 41 के बाद से चीज़ें बहुत बेहतर होते हुए दिख रही है, क्योंकि 41 के बाद से लगातार ऑफशूट्स हैं छोटे बड़े, लगातार यानी लगातार खुशियां आपके जीवन में आती हुई दिख रही हैं। और उसके बाद ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, पता नहीं क्यों मैं इतना स्लो बोल रही हूँ या पता नहीं क्यों, लेकिन काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो। देन आफ्टर अभी मैंने देखा 41 के बाद से लगातार ऑफशूट्स हैं, देन आफ्टर 46 में अगेन आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन आपकी आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है। 41 में भी आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई यानी शादी के बाद ही भाग्योदय हुआ, और देन आफ्टर 46 में आउटर पार्ट से आपकी लाइफ लाइन इनिशिएट होते हुए दिख रही है। ये काफ़ी पॉजिटिव चेंज को शो कर रहा है। स्ट्रगल लंबा है आपका, काफ़ी लंबे समय तक आपने संघर्ष किया है, लेकिन वो संघर्ष आपको आगे फल देता हुआ दिखाई दे रहा है, फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। देन आफ्टर उसके बाद भी लगातार छोटे बड़े ऑफशूट हैं, और यहाँ पर 51 से अगेन आपकी लाइफलाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट होते हुए दिख रही है, बाहरी दिशा से इनिशिएट होते हुए दिख रही है। जब भी लाइफलाइन आपकी आउटर पार्ट से इनिशिएट होती है, ये एक अच्छे परिवर्तन को दिखाती है। इस उम्र में आपके जीवन में कोई अच्छा सा चेंज आया है, तो लगातार 41 में चेंज आया, 46 में चेंज आया, 51 में चेंज आया, फिफ्टी फोर में बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। लगातार 65 तक ऑफशूट्स हैं, तो आपके भाग्य का परिवर्तन या आपके जीवन का वो जो गोल्डन पीरियड जिसे कहते हैं, सुनहरा वक्त कहते हैं, वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 41 से। अब चलते हैं न्यूमरोलॉजी की तरफ। देन आफ्टर, हाँ इससे पहले आपके लक लाइन को देख लेते हैं। फोर्टी वन से एक यहाँ तो इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है, 40 के आसपास आप कहीं पे पैसा लगाएंगे और यहाँ से एक नई इनकम की लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। ऐसे या 35 के आसपास से भी या इनकम के सोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा आपको फलित होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये फैल गया है। तो बहुत अधिक पैसा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत इनकम तो पता नहीं कहीं से आप कर रहे हैं, या आप बेहतर जानते हैं कि पैसे कहाँ से आपके पास आ रहे हैं, लेकिन पैसा आ रहा है आपके पास थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन इतना आ रहा है कि आप अपना खर्चा तो निकाल पा रहे हैं। उसके बाद तकरीबन 46 के आसपास से इससे ब्रांचेस निकल रही हैं, ये वाली लक लाइन आपको पैसा देगी, और 46 के बाद से आपके लक लाइन पे पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। ब्रांचेस का निकलना यानी दो लक लाइन का बन जाना इनकम के सोर्स को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। देन आफ्टर 51 से भी लक लाइन इनिशिएट हुई है, और ये वाली जो लक लाइन है आपकी 64-65 के आसपास से इनिशिएट होते हुए दिख रही है, यानी पैसे के इनकम के सोर्स काफ़ी ओपन होंगी। टाइम टाइम पर चीज़ें और बेहतर होती जाएगी, ऐसा नहीं है कि समस्याएं आएंगी, लेकिन इस तरह की लक लाइन जिनकी भी होती हैं तकरीबन ये 46-47 तक आपको मेहनत अधिक करवाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद से लाइफ आपकी स्मूथ हो जाएगी, एटलीस्ट 2-3 इनकम के सोर्स ओपन हो रहे हैं, तो उतना मेहनत नहीं होगा लेकिन पैसा ठीक ठाक आ जाएगा। आपके जीवन का अच्छा सुनहरा वक्त 41 से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है, और इनकम
41 से इनिशिएट होगा, लेकिन वहाँ पर आपको मेहनत अधिक लगेगी। 46 से कम मेहनत में ठीक ठाक इनकम आपकी हो जाएगी। इनकम के सोर्स 2 से 3 बन रहे हैं इस वजह से। अब चलते हैं न्यूमरोलॉजी की तरफ। आपका मूलांक 5 भाग्यांक 8 है। अब 5 8 जब एक साथ आ जाए तो ये क्या कहता है? देखिए, 8 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है शनिदेव, तो शनिदेव की विशेष कृपा रहती है आपके ऊपर। और 5 को रूल करते हैं मर्करी। अब क्या है कि सटर्न मर्करी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, और मर्करी भी सटर्न की बात को मानता है और इसको सपोर्ट करता है। यानी यहाँ पर ये दोनों दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी 8 5 से जेलसी फील करता है, यानी ये 5 के प्रोग्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और 5 इस वजह से 8 से दूरियां बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, स्टार्टिंग में अप्स एंड डाउन वाले मोमेंट होते हैं। कभी आपको लग रहा होगा कि लाइफ में अच्छा कुछ होने जा रहा है, और फिर सडन कुछ ऐसा हो जाता होगा जिस वजह से आप अच्छा फील नहीं कर पा, मतलब आपकी उम्मीदों के हिसाब से जीवन आगे बढ़ता हुआ आपको नहीं दिख रहा होगा। यानी ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव वाली जो स्थिति है वो एक सर्टेन एज तक कायम रहती है। यानी 40, कुछ लोगों की तो 35 तक ही रहती है, लेकिन कुछ लोगों का 40 भी चला जाता है और कुछ लोगों का 45। तो आप मध्यम स्तर वाले व्यक्ति के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो भी संघर्ष है वो 40 से पहले है, उसके बाद नहीं है। अब आप जिस साल के जिस मंथ के जिस डेट को पैदा हुए हैं, आपके साथ पैदा होने वाले जितने भी लोग होंगे उस दिन, उन सभी पर ये बातें अप्लाई होती हैं। आपके फेवर में रहने वाले ग्रह का नाम है मर्क्यूरी, सन और यूरेनस। अब यहाँ पर मर्क्यूरी और सटर्न, सन का माफ कीजिएगा, मर्क्यूरी और सन का एक साथ योग बनता हुआ दिख रहा है, उसके बाद यूरेनस भी साथ हैं। देन ऐसे लोगों की मानसिकता बहुत अच्छी होती है। ये ग्रह योग काफ़ी शुभ है, अति शुभ ग्रह योग है। ऐसे लोग अति बुद्धिमान होते हैं, इसके इनके निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी सुदृढ़ होती है। ये डिसीजन बहुत अच्छा लेते हैं। फिलहाल अभी तो नहीं, लेकिन 40 के बाद से आपको समझ में ये आ जाएगा कि आपके अंदर किसी भी हालात में जो भी निर्णय आप लेंगे वो बहुत सटीक होगा, और यही निर्णय लेने की क्षमता ही आपको व्यापार के माध्यम से, या मान लीजिए जॉब ही आप कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में भी आपको अत्यधिक सफल बनाएगा, आम इंसान से ज़्यादा सफलता ये देगा। इसके साथ ही ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षा बड़ी होती है। ये किसी भी काम को, मान लीजिए कोई भी काम ये कर रहे हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो जो लॉन्ग टर्म वाला बिजनेस होता है जहाँ आप सालों मेहनत कीजिए, 2-3 साल की मेहनत के बाद से वो आपको फल देना स्टार्ट करेगा, उस तरह के व्यापार में इनकी रुचि नहीं होती है। इनको चाहिए कि आप, मैं 3 मंथ काम करूँ, 4 मंथ काम करूँ, अच्छा खासा इनकम हो जाए, फिर उस बिज़नेस को बंद करूँ, फिर नया कोई स्टार्ट करूँ। यानी इन्हें लगातार किसी काम को करने से बोरियत महसूस होती है। इनफैक्ट अगर ये लगातार किसी इंसान से भी बात करते हैं या किसी इंसान को पसंद करते हैं तो उनसे भी इनको बोरियत महसूस होती है। पसंद इनकी बदलती रहती है। इस बात पर मुझे हंसी आई, क्योंकि ये मतलब शॉकिंग है मेरे लिए कि ऐसे लोग इंसानों से भी बोर हो जाते हैं। यहाँ पे बुध और यूरेनस का जो योग है, यानी मर्करी और यूरेनस का जो यहाँ पे बॉन्डिंग बनता हुआ दिख रहा है, ये आपको अचानक से या आपकी सोच से ज़्यादा बेनिफिट देगा, फ़ायदा देगा। और ये फ़ायदा आपको बहुत पहले दे देता, लेकिन आपकी माइंड लाइन की वजह से या हार्ट लाइन की वजह से या बाकी जो ग्रह है आपके हाथ में जो कमज़ोर हैं, मेन जो ग्रह हैं जिसकी वजह से आपको युवावस्था में सफलता मिलती है, उन सभी को स्पेस कम मिला हार्ट लाइन की वजह से, इसी वजह से देरी हुई, अन्यथा आप बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा सफल हो गए होते। तो बुध और यूरेनस के योग की वजह से आपका जीवन अचानक से परिवर्तित होता है और आपके उम्मीद से कहीं ज़्यादा आपको सफलता मिलती है। यहाँ पर फिर मर्करी और सन का योग बनता हुआ दिख रहा है, ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपकी योग्यता को बढ़ाता है। यानी आपको अलग तरह का गुण ये देता है और आपके अंदर गुणवत्ता को बढ़ाता है, या आपको अति ज्ञानी अति गुणवान बनाता है। ऐसे लोग अति संवेदनशील होते हैं, इन्हें किसी की भी बात बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत दुख होता है इनको। अगर मान लीजिए इनके अपने ही क्यों ना हो, इनके रिलेटिव ही क्यों ना हो, यदि
किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए, तो कई सालों तक इनके मन में वो बात बैठ जाती है, और कभी कभी तो पूरे जीवन के लिए इनके जीवन में इनके मन में वो बात बैठ जाती है और वो निकलती नहीं है। इस वजह से क्या होता है, जब इंसान अति संवेदनशील हो जाता है तो भारी तनाव में जाने के इनके जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन की शिकायत इन लोगों की को होती है, प्रॉब्लम होती है। तुरंत सफलता पाने की चाहत बहुत रहती है। लव लाइफ इसलिए उतनी अच्छी नहीं रहती क्योंकि बदलाव इन्हें पसंद है। ये किसी एक इंसान को बहुत समय तक पसंद नहीं कर सकते। आप किसी के भी सलाह को मानने वाले व्यक्तियों में से नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यदि कोई आपके अंदर सुधार लाने की कोशिश करे या फिर आपको बताए कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो आप नहीं मानेंगे। सामने वाला कितना कुछ कितना भी प्रयास कर ले, वो आपकी मानसिकता में बदलाव नहीं ला सकता। आपको सलाह है, या तो आप अपना बिजनेस इनिशिएट कीजिए या कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जिसके पास पैसा है लेकिन वो व्यापार नहीं कर पा रहा है, यानी उसकी सोच उस तरह की नहीं है या फिर काबिलियत नहीं है। आप उस ज़रिए से भी अपने जीवन को अच्छी दिशा दे सकते हैं। यदि आप किसी के लिए भी कोई योजना बनाते हैं, कोई पैसा दे रहा है, आप उसके लिए बिजनेस के प्लान बनाते हैं, तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा। यानी आप दूसरों के लिए काम करते हैं और उनके लिए योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको काफ़ी सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव है, बहुत अच्छा हाथ है, हाथ अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग में ये संघर्ष रहा क्योंकि आपके हाथ में माइंड लाइन सही नहीं है और हार्ट लाइन सही नहीं है। लक लाइन का भी बहुत अच्छा योग बनता हुआ नहीं दिख रहा है, सपोर्ट देता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन 40 के बाद से लाइफ आपकी अचानक से परिवर्तित हो जाएगी। और ये जो डेट ऑफ बर्थ का योग है ये बहुत शुभ है, इसीलिए आगे इसका फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा। अब बात करते हैं आपके फेवर में रहने वाले नंबर्स की। तो किसी भी मंथ का 1, 5, 10, 14, 19 and 23 आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है। यदि रत्न की बात की जाए, ऐसे में किसी को प्रोवाइड करती नहीं हूँ। यदि आपको पहनना है तो आप डायमंड पहनिए या फिर मोती पहनिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप आपके सवालों का जवाब देते हैं, वीडियो सच में बहुत लंबा हो गया। आपके पास ऑप्शन है, आपने करियर को लेकर के ऑप्शन पूछा है, आपके पास ऑप्शन है। आप या तो अपना बिजनेस कर सकते हैं या पार्टनरशिप में व्यापार कर सकते हैं, यानी बिजनेस का ऑप्शन है आपके पास। या तो आप खुद के पैसे से कीजिए या दूसरों की मदद कीजिए, ये हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके पास, आप फॉरेन सेटलमेंट ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, यदि आप गवर्नमेंट से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं तो करिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जॉब के लिए मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपको प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप अब छोटा बिजनेस ही सही, खुद का कीजिए, बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहने वाला है। शादी की बात की जाए तो मुझे आपके हाथ को एनालाइज करने के बाद मुझे 41 के पूरे वो चांसेस बन रहे हैं आपके शादी होने के। शादी आपकी पसंद से होगी और लव मैरिज होगी। पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके फॉरेन सेटलमेंट के, तो आप वो आप डिपेंड करेगा कि आपको कब फॉरेन सेटलमेंट लेना है। वैसे 41 से आपका भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है, 41 से ही आपका भाग्योदय है। इनफैक्ट होता क्या है कि जब आपका कोई अच्छा वक्त आ रहा होता है तो उसके 6 माह पहले से ही आपको संकेत आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप 40 मान के चलिए, हम मान के चलते हैं कुछ पॉजिटिव हो, 40 से ही आपका भाग्योदय स्टार्ट है। तो 40 के बाद आप कभी भी कुछ भी, मेरी सलाह मानिए तो स्वदेश में ही रहिए, अपने देश में ही रहिए, क्योंकि आपके हाथ में ये विदेशी धरती या पर जा कर के या अपने घर से आप जितना दूर रहेंगे उस तरह की लकलाइन नहीं है, वो आपको ज़्यादा सफलता देगी। यदि मून माउंट से आपकी लकलाइन इनिशिएट होती तो मैं आपको सलाह दे सकती थी कि आप फॉरेन चले जाइए, लेकिन आपको फॉरेन जाने की आवश्यकता ऐसे है नहीं, आप अपने देश में भी रह करके बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ की वजह से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनती हुई दिख रही है। आपने पूछा है कि आपका भाग्य उदय कब होगा, 41। ड्रीम हाउस की बात आपने की है, आप बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं, और ऑब्वियस ही बात है एक नहीं बल्कि 3-3 आप अपने ड्रीम हाउस को कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में साइन है। ये सब बहुत नॉर्मल बात है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत बड़ी ये डील होगी। यदि 38 में आपकी शादी नहीं होती है मान करके चलते हैं, तब जाकर के 41 में शादी होगी। यदि 38 में शादी हो जाती है तो 41 में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं।
संकेत दो होते हैं ब्रह्मांड के, बहुत से लोगों के हाथ में बहुत से रिश्ते बनते हैं तो वो भी संकेत होते हैं, तो उसमें ये डिफरेंस कर पाना कि यहाँ शादी हुई यहाँ नहीं हुई वो मुश्किल है। इसीलिए कहीं पे किसी के साथ यदि आपका रिश्ता तय होता है तो वहाँ भी आपके मैरिज लाइन कम्प्लीटली बन जाते हैं। अब यदि 38 के आसपास या 38 एंड हाफ में आपकी शादी नहीं होती है तो 41 में होगी। यदि 41 में 38 में शादी हो जाती है तो 41 में लाखों का आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। टेक केयर एंड बाय बाय।